हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लिनिकल नॉलेज इन मेडिसिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज के रिगार्डिंग प्लेसेंटा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं एंड प्लेसेंटा में कौन कौन से एब्नॉमलिटीज देखने को मिलती हैं लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक

देन बात करते हैं हिस्टोलॉजी की जो प्लेसेंटा है उसके फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम होफर सेल। डायमीटर की अगर बात करें तो प्लेसेंटा का डायमीटर 15 से 20 सेंटीमीटर होता है 15 टू 20 सेंटीमीटर थिकनेस एवरेज थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर होती है एंड मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर तक थिक होती है जो प्लेसेंटा है वो मैक्सिमम सेंटर से थिक होती है देन अगर प्लेसेंटा मोर देन फोर सेंटीमीटर थिक है तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं प्लेसेंटोमिगैली प्लेसेंटोमेगैली किन किन कंडीशन में किस टाइप की प्रेगनेंसी में देखने को मिल सकती है ट्विन प्रेगनेंसी अगर है डायबिटीज फीमेल अगर है देन उसने कंसीव किया है या आर एच नेगेटिव प्रेगनेंसी अगर है इन कंडीशन में प्लेसेंटा लार्ज साइज का देखने को मिलता है एंड वो मोर देन फोर सेंटीमीटर थिक होता है जिसे हम प्लेसेंटोमिगैली बोलते हैं देन फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा क्या होती है कोटिलिडन जो कि 15 से 20 कोडीलेडेंस प्रेजेंट होते हैं प्लेसेंटा में देन बात करते हैं फेटल सरफेस एंड मैटरनल सरफेस अभी-अभी हमने बात की कि फेटल सरफेस है वो फॉर्म होता है कोरियन फ्रेंडोसम से और मैटरनल सरफेस फॉर्म होता है डेसिडूआ बेसिलिस से सो फेटल सरफेस को कोरियोनिक प्लेट भी बोलते हैं और मैटरनल सरफेस को बेसल प्लेट भी बोलते हैं जो मैटरनल सरफेस है वो डल रेड कलर में होता है एस लाइक फोटो में आप देख रहे हैं कि जो मेटरनल सरफेस है वो डल रेड कलर है जबकि फेटल सरफेस शाइनी ग्रे कलर का होता है जो अम्बिलिकल कोर्ड है और जो मेम्रेन हैं वो फेटल सरफेस पे अटैच होती हैं और सरफेस पे अटैच नहीं होती हैं जो अम्बिलिकल कोर्ड है वो बेबी और प्लेसेंटास को ज्वाइन करती है एंड वो फेटल साइड ऑफ प्लेसेंटा पे अटैच होती है प्लेसेंटा में फेटल ब्लड भी प्रेजेंट होता है मेटरनल ब्लड भी प्रेजेंट होता है बट फेटल ब्लड और मेटरनल ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होते कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फेटल ब्लड को मेटरनल ब्लड से सेपरेट करके रखते हैं तो उन स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं सिंसेशियोट्रोफोब्लास्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मिजोडम एंड एंडोथेलियम ऑफ फिटल कैपिलरीज टोटली इन स्ट्रक्चर्स को हम प्लेसेंटल बैरियर्स या प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं ये स्ट्रक्चर्स एक मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं जो कि सेपरेट करती है फीटल ब्लड को एंड मेटर ब्लड को प्लेसेंटा में बहुत सारे विलायज प्रेजेंट होते हैं और इन विलायज में इंटरवेल स्पेस प्रेजेंट होता है जिसमें कि ब्लड ब्लड होता है और का एक्सचेंज भी होता है तो जो मेटरनल ब्लड वेसल्स हैं वो इंटरवेल स्पेस में फिफ्टीन डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओपन होते हैं एंड जो यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है वो एस्टाब्लिश होता है एंड फेटल ब्लड वेसल्स ओपन होते हैं बाई डे सेवेंटीन फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन एस्टैब्लिश होता है डे 17 आफ्टर फर्टिलाइजेशन अब बात करते हैं प्लेसेंटा ट्रांसफर क्या करता है सो so, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मैटरनल ब्लड से फेटस को ट्रांसफर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फेटस से मदर को ट्रांसफर करता है देन जो ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है फेटस को उसका रेट क्या रहता है 8 ml पर kg पर मिनट अब एक स्पेशल एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है एंड बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा फॉर्म होना स्टार्ट होता है सिक्स वीक पे एंड कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाती है ट्वेल्व वीक तक देन प्लेसेंटा का जो वेट का रेशियो है बेबी के वेट से टर्म प्रेगनेंसी पे उसका क्या रहता है वन इंस टू तो सिक्स बेबी का वेट नॉर्मली थ्री के के आसपास होता है देन प्लेसेंटा फाइव हंड्रेड ग्राम तो वन इज टू तो सिक्स का रेशियो होता है प्लेसेंटल वेट एंड फीटल वेट का वेट ऑफ प्लेसेंटा वेट ऑफ फीटस के इक्वल कब होता है तो 17 वीक की जब प्रेगनेंसी होती है जब वेट बेबी का जितना वेट होता है सेम वेट प्लेसेंटा का होता है अब बात करते हैं प्लेसेंटल एनोमलीज की क्या क्या एबनोर्मलिटीज प्लेसेंटा में देखने को मिलती हैं फर्स्टली क्या क्या एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेंगी तो प्लेसेंटा का अगर लार्ज साइज होगा तो उसे हम प्लेसेंटो में गैली बोलेंगे जो कि अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड्स में देन अगर स्मॉल साइज प्लेसेंटा हो सकता है स्मॉल साइज किन कंडीशन में देखने को मिलेगा पी आई एच प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर टेंशन या फिर आईयूजीआर यूजीआर इंट्रायट्राइन प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वॉल्यूम कम होगा ब्लड का जो ब्लड प्लेसेंटा तक जाएगा वो कम अमाउंट में जाएगा जिसकी वजह से प्लेसेंटा प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा एंड स्मॉल साइज प्लेसेंटा देखने को मिलेगा अब है एबनॉर्मेलिटी ऑफ लोकेशन प्लेसेंटा की जो नॉर्मल लोकेशन होती है वो अपर यूट्रस में होती है मीन्स जो अपर सेगमेंट होता है यूट्रस का उसमें लोकेट होता है अब एबनॉर्मेलिटी क्या होगी कि अगर प्लेसेंटा लोअर यूट्रस में प्रेजेंट है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन है उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया प्लेसेंटा की लोकेशन क्या है ये पता करने के लिए हम यूएसटी करेंगे ट्रांसविजाइनल या एडम देन जो बेस्ट टाइम होता है लोकेशन पता करने के लिए प्लेसेंटा का वो होता है थर्ड ट्राइमेस्टर इस पिक्चर में देखिए जो नॉर्मल प्लेसेंटा है उसमें प्लेसेंटा की जो लोकेशन है वो अपर सेगमेंट में है देन जो सेकंड पिक्चर है उसमें लो लाइन प्लेसेंटा दिखाया गया है और थर्ड में जो प्लेसेंटा है वो लोअर यूटरस को कवर कर रहा है एंड सर्विक्स की ओपनिंग के जस्ट अबो है तो उसे हम बोलेंगे प्लेसेंटा प्रीविया अब एब ऑफ लोब्स देखने को मिलती हैं सो फर्स्टली है, so है सेकेंड प्लेसेंटा सकेंट प्लेसेंटा में क्या होता है जो प्लेसेंटा है वो दो लोब्स में डिवाइड हो जाता है बट जो दोनों लोब्स हैं वो ब्लड वेसल्स के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं पिक्चर्स में देखिए एक स्मॉल लोब देखने को मिल रही है एंड एक लार्ज लोब है बट दे आर कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स नेक्स्ट जो इसकी एबनॉर्मेलिटी है वो है प्लेसेंटा स्पूरिया इसमें क्या होता है कि इसमें भी सेम दो लोग में डिवाइड हो जाता है प्लेसेंटा बट इसमें ब्लड वेसल्स कनेक्टेड नहीं रहती अलग अलग दो लोग होंगे थर्ड जो एबनॉर्मेलिटी है वो है प्लेसेंटा बाइलोबाटा प्लेसेंटा बाइलोबाटा में जो प्लेसेंटा है वो इक्वल टू पार्ट्स में देखने को मिलेगा एंड ब्लड वेसल से कनेक्टेड रहेगा अनइक्वल पार्ट्स किसमें है प्लेसेंटा सकेंटा प्लेसेंटा स्पूरिया प्लेसेंटा बाइलोबाटा में क्या है इक्वल पार्ट्स हैं सो so, ये तीनों कंडीशन फर्दर डिलीवरी के बाद पीपीएच को लीड करती हैं पीपीएच को लीड कैसे करेंगी हो सकता है एक ही पार्ट रिमूव हो सेकेंड पार्ट यूट्रस में ही रह जाए तो फीमेल है वो ब्लीड करती रहेगी सो so, ये तीनों कंडीशंस लीड कर सकती हैं पीपीएच को अब बात करते हैं एबनॉर्मेलिटी ऑफ फेटल सरफेस और मैटरनल सरफेस जो मेटरनल सरफेस है और जो फेटल सरफेस है वो इक्वल होता है बट अगर मेटरनल सरफेस बहुत लार्ज हो जाए और वो फेटल सरफेस को सराउंड करे तो वो उसका एक रिंग के फॉर्म में सराउंड करेगा उसे हम बोलेंगे सरकम वेलेट प्लेसेंटा और सर्कम वेलेट प्लेसेंटा होने की वजह से आईयूजीआर देखने को मिल सकता है फिटल डेथ हो सकती है और एंटीपार्टम हेमरेज देखने को मिल सकती है एंटीपार्टम हेमरेज मीन्स डिलीवरी से पहले ही ब्लीडिंग इस पिक्चर में देखिएगा जो ये मेटरनल सरफेस है इसने फिटल सरफेस को सराउंड कर रखा है और रिंग फॉर्म कर रखी है सो so ये होता है सिर्कम वैलेट प्लेसेंटा अब बात करते हैं अब नॉर्मलिटी ऑफ क्रोनिक विलाई अटैचमेंट नॉर्मली क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो एंडोमेट्रियम से अटैच होता है जो कि आफ्टर डिलीवरी शेड हो जाती है बट अगर प्लेसेंटा मायोमेट्रियम या पेरीमेट्रियम से अटैच हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे मोरबिडली प्लेसेंटा क्यों क्योंकि मायोमेट्रियम तो शेड नहीं होते ना ही पेरीमेट्रियम शेड होते तो प्लेसेंटा रिमूव ही नहीं होगा आफ्टर डिलीवरी इसके फर्दर तीन टाइप्स होते हैं प्लेसेंटा एकटा प्लेसेंटा इंक्रेटा एंड प्लेसेंटा परक्रीटा सो जो एकटा है उसमें सुपरफिशियल अटैचमेंट होते हैं मायोमेट्रियम से बट नॉर्मली सिर्फ एंडोमेट्रियम में ही अटैच होता है प्लेसेंटा देन है प्लेसेंटा इंक्रीटा प्लेसेंटा इनक्रेटा में जो अटैचमेंट होगी वो डीप मायोमेट्रियम में होगी प्लेसेंटा परक्रेटा इसमें जो अटैचमेंट होगी वो पेरीमेट्रियम या सिरोसा में होगी फिगर में देखेगा नॉर्मल प्लेसेंटा क्या है सिर्फ एंडोमेट्रियम पे अटैच है प्लेसेंटा सुपरफिशियल मायोमेट्रियम, इनक्रेटा डीप मायोमेट्रियम एंड परक्रेटा में प्लेसेंटा सिरोसा जो कि आउटर मोस्ट लेयर है जिसे हम पेरीमेट्रियम भी बोलते हैं उसमें अटैच होता है अब ये कंडीशन अराइज क्यों होती है प्लेसेंटा इतना डीप इन्वेड क्यों करता है या तो नेटा बुक सेल लेयर एबसेंट होते है। नेटा बुक सेल लेयर होते हैं जो डिसाइड करती है प्लेसेंटा को कितना डीप इनवेट करना है या अगर हो इन दोनों के एबसेंट होने या इनमें से कोई एक भी अगर एबसेंट है तो उसकी वजह से प्लेसेंटा डीप इन्वेट कर जाता है अब बात करते हैं एबनॉर्मेलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा की बेसिकली प्लेसेंटा सिर्फ कोरियोन फंड से ही डेवलप होता है जो कोरियोन लेवी होता है सेकेंड पार्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट का वो फिटल मेम्ब्रेन फॉर्म करता है फिटल मेम्ब्रेन में कोरियोन मेम्ब्रेन जो है बट अगर इन दोनों से कोरियोन लेवी और कोरियोन फ्रंडोसम से प्लेसेंटा डेवलप हो तो प्लेसेंटा पूरे यूट्रस को कवर करेगा और बहुत ही थिन और मेम्ब्रेन लाइक होगा जिसे हम प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया बोलेंगे अब बात करते हैं कोड इंसेशन की नॉर्मली क्या होता है कि जो कोर्ड है वो प्लेसेंटा के सेंटर में इंसर्ट होती है बट अगर वो मार्जिन पे इंसर्ट है देन हम उसे बोलेंगे मार्जिनल इंसर्शन ऑफ कोर्ड और उस प्लेसेंटा को हम बोलेंगे बेटल डोर प्लेसेंटा अब सेकेंड बात करते हैं विलामेंटस इंसर्शन ऑफ कोर्ड अगर कोर्ड डायरेक्ट प्लेसेंटा से अटैच होने से पहले मेम्ब्रेन से अटैच हुई कोरियोन और एमनियोन उनसे अटैच हुई उसके बाद प्लेसेंटा से अटैच हुई तो हम उसे बोलेंगे विलामेंटस इंसर्शन ऑफ कोर्ड पिक्चर में देखिए जो अम्बिलिकल कोर्ड है वो डायरेक्ट प्लेसेंटा से अटैच ना होके पहले मेम्ब्रेन से अटैच है ये कंडीशन लीड करती है वासा प्रेविया को वासा प्रेविया एक कंडीशन है जिसमें ब्लड लॉस होता है और वो फिटल ब्लड लॉस होता है एंड फर्दर वो फिटल डेथ को कॉज करता है सो so, ये सारे थे प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज एंड स्टार्टिंग में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेसेंटा देखे थे इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड लाइक द वीडियो डू कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल थैंक यू